कैसे अजीब पत्थर है, ऐसे पहले कभी नहीं देखे, और इस तरह से क्यों रखे? निशान? निशानों का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है फिर कभी ना उठो। हाँ, इसका मतलब है फिर कभी ना उठो। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं होगा। यहाँ कोई नहीं है, मेरे सिवा यहाँ और कोई नहीं है। मैं यहाँ की रखवाली करता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? और इस वीरान सुनसान जगह में आप किसकी रखवाली करते हैं? जो लोग यहाँ हैं, मैं उनकी रखवाली करता हूँ और पहरा देता हूँ कि इनमें से कोई भी बाहर निकलने ना पाए। कोई बाहर ना निकलने पाए? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। बाबा, आप तो यहाँ अकेले हैं, आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? जिस जमीन पे तुम खड़े हो ना, ये कोई मामूली जमीन नहीं है, इसमें जान है। जान? हाँ, जान, एक अजीब किस्म की जान। इस जमीन में जिसको दफना दो वो फिर से जिंदा होता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर या फिर हैवानी क्यों ना हो, ये जमीन उसमें फिर से जान डाल देती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। ऐसा ही है, सदियों से ऐसा ही होता चला आ रहा है। इस धरती का रहस्य सिर्फ हमें पता था, लेकिन एक दिन बदमाशों ने आकर सब खत्म कर दिया। कैसे? उन बदमाशों ने ये जमीन हथिया ली और कहीं से कुछ लाशें इकट्ठा करके उन्हें यहाँ लिया और इस जमीन में उन्हें गाड़ दिया। और जब वो लाशें जिंदा हो गई तो उन्हें खेतों में ले गए और उन्हें उन्हें काम पर लगा दिया। देख रहा है इस मरियल को? ये 8 दिन से दिन रात मेरे लिए काम कर रहा है, बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए, कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, बस काम करता रहता है। बता, मैं इसे कितने पैसे देता हूँ? कितने सरकार? 1 पैसा भी नहीं। ये सारे मजदूरों को मैं 1 पैसा भी नहीं देता हूँ, और ये बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करते हैं, समझा? ये क्या सरकार? देखा, मैं इन्हें कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं, ये उफ तक नहीं करते, इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती, बस काम करते रहते हैं दिन रात। ये कैसे हो सकता है सरकार? बिना खाए पिए, बिना सोए कोई कैसे काम कर सकता है? कोई कैसे जिंदा रह सकता है? ये रहेंगे, क्योंकि ये आदमी है ही नहीं। देख ये कैसे चल रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, ये आदमी नहीं, जिंदा लाशें हैं, जिंदा लाशें। जिंदा लाशें यानी? ये कभी जिंदा हुआ करते थे, लेकिन आज मुर्दा हैं, सिर्फ लाश हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मरे हुए मजदूर जो बिना रुके काम करते जा रहे थे? हाँ, ऐसा ही हुआ है। उस दिन उन जिंदा लाशों ने अपने मालिक के खिलाफ बगावत कर दी और उन्हें जान से मार डाला। उस वक्त हमारे कबीले के लोगों ने उन्हें शांति दी। शांति? हाँ। लेकिन कैसे? हमने उन लाशों को इस जमीन में फिर से दफन कर दिया और उन पर ये पत्थर रख दिए, ताकि ये लाशें बाहर निकलने ना पाए। लेकिन इन पत्थरों से क्या होगा? ये पत्थर भी उस जमीन की तरह मामूली नहीं है, इन पत्थरों की वजह से ही जमीन में जान है। ये पत्थर ही उन लाशों को बाहर आने से रोकते हैं। साहब, गाड़ी तैयार हो गई। बेटा, अब तुम निकलो और हो सके तो जमीन के बारे में भूल जाना। मैं भी चलता हूं, मुझे जरा इन कब्रों पर नजर रखनी है। बाबा की कहानी अजीब है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ तो है जो सच है। आखिर जमीन में ऐसा क्या है जिससे लाशें जिंदा हो जाती है? सत्यजीत जरूर इसके बारे में जानना चाहेगा।
मैं थोड़ी सी मिट्टी उठा लेता हूं। सुनी तो सबसे पहले मुझे तुम्हारा ख्याल है, तुम ऐसी बातों में हमेशा दिलचस्पी रखते हो। तो बोलो डॉक्टर, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? तुम्हारी कहानी है तो अजीबोगरीब, लेकिन न जाने इसमें कोई बात जरूर है। क्या बताया तुमने, वो जमीन कहां पे? यहां से 2-3 घंटे की दूरी पर बरधात गांव के आगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, जैसे ही मैंने मिट्टी उठाने की कोशिश की, अचानक जोरों की आवाजें आने लगी, बिजली के कड़कने की आवाज। इतनी भरी धूप में बिजली कड़कने की, स्ट्रेंज। दोपहर में बिजली की आवाज है। स्ट्रेंज। राकेश, तुम वहां के पत्थरों के बारे में कह रहे थे कि अजीब सा रंग था उनका, कुछ नीले काले। हाँ, ब्लूइश ब्लैक। लेकिन ऐसे अजीब पत्थर मैंने पहले कभी नहीं देखे। ठीक है, मैं इस मिट्टी को ले जाता हूं और केमिकल टेस्ट करता हूं, फिर देखता हूं तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। हाँ, मुझे जरूर बताना कि क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद का प्लान मैंने बना लिया है। Are you serious, नागेश? नहीं, मेरा मतलब है, खुदा ना खास्ता कल को तुम्हें कुछ हो जाए, बस कर तुम्हारी मौत हो जाए, तो क्या तुम इस तरीके से इस दुनिया में आना पसंद करोगे? और नहीं तो क्या, कोई बेवकूफी होगा जो मरना चाहेगा। मेरा बस चले ना डॉक्टर, तो मैं कभी ना मरूं। ना बाबा, मैं तो मरने के बाद मर ही रहना चाहूंगी। मुझे उस आदिवासी की बात सही लगती है, मुर्दों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, ना जाने कब कौन सी बला आन पड़े। यस सर। अभी सॉल्यूशन के बदलते रंग से हमें पता चलेगा कि मेटल कौन सा। Let us see the chart. चलने के निशान गायब हो रहे हैं सर। हाँ, दर्द भी नहीं है, वो मिट्टी मेरे हाथ पे गिरी और दर्द गायब। आपको क्या लगता है सर, इस मिट्टी में कुछ? हाँ, इस मिट्टी में जरूर कुछ बात है, चमत्कारी मिट्टी है, जिंदा करने की ताकत है इसमें। इट कैन हील, इट कैन क्योर, आई टेल यू, इट्स अ मिरेकुलस मिट्टी। एक्सक्यूज मी, हेलो नागेश, अरे 100 साल जियोगे तुम्हारी याद कर रहा था।
इस मिट्टी में बात है भाई, जरूर कुछ बात है। क्या ओ नो, मैं अभी आया, मेरा मेडिकल किट लेके आओ। क्या हुआ सर? अरे भाई लेके आओ, नागेश की बीवी को हार्ट अटैक आया। चलो राखे, 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 नागेश, नागेश, देखो डॉक्टर राखी को क्या हो गया, खाना खाते खाते बेहोश हो गए। प्लीज डॉक्टर देखो ना, जल्दी देखो। पल्स हो चुकी है, दिल की धड़कन भी बंद है, सांस रुक चुकी है। अरुण यस सर, जल्द से एडमिल के इंजेक्शन तैयार करो। ये क्या है डॉक्टर? सर करो, ये सीधे इसकी नस में दूंगा, इससे दिल को झटका लगेगा और दिल धड़कने लगेगा। बड़े सिरिंज में, ये सीधा उसके दिल में देना होगा। सीधा दिल में? हाँ, अगर इससे भी कुछ ना हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये लीजिए सर। फास्ट फास्ट चलो। हमारी सारी कोशिश बेकार गई, हम कुछ नहीं कर सके, हम नहीं बचा सकते उसे। नहीं, मैं राखी क्यों नहीं रह सकता हूँ? राखी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरुण एम्बुलेंस ले आओ। नहीं, मुझे सिर्फ राखी चाहिए डॉक्टर, मुझे सिर्फ राखी चाहिए। नागेश, नागेश कंट्रोल योरसेल्फ। देखो राखी जा चुकी है, हम उसे वापस नहीं ला सकते अब। डॉक्टर तुम उसे बचा नहीं सके, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। देखो नागेश तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, राखी चलेगी हमेशा के लिए। मुझे मेरी बीवी के साथ अकेला छोड़ दो, तुम उसे बचा नहीं सके, तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं तैयारी करवाता हूँ। राखी वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था, मुझे मालूम है वो सत्य जी झूठ बोल रहा था। डॉक्टर राखी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, राखी तुम जरूर मेरे पास वापस आओगी, राखी मेरे पास तुम जल्दी आओगी। राखी तुम घबराओ मत, राखी गाड़ी वहां क्यों खराब हो गई थी, मेरे लिए एक बुलावा था, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, लगता है मिस्टर नागेश ने अपने आप को संभाल लिया होगा, शायद शॉक में होगा। जाने इस हाथ को क्या हो गया है। क्या हो गया सर? पता नहीं, घाव तो ठीक हो गया लेकिन सुन सा हो गया है, जैसे हाथ है ही नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई दर्द नहीं। खैर छोड़ो और देखते हैं। बहुत बुरा हुआ नागेश के साथ, इतनी छोटी उम्र में इतना मैसिव अटैक राखी को। नागेश भी नहीं, बॉडी भी नहीं, कहां गई ये? सर कहीं भी नहीं। दरवाजा खुला है, मुझे मालूम है वो कहां गए। मेरी बात सुनो,
और रुक जाओ, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरी बात सुनो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। अरे ये तुम कहने जा रहे हो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ, अपने लिए मुसीबत खड़ी मत करो और चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं होगी, कोई और होगी, बिल्कुल अलग। देखो राखी, अब मैंने तुम्हें दफना दिया, अब उठो राखी, उठो राखी, मौत की नींद से जागो, उठो राखी, मौत की नींद से जागो, उठो, लौट आओ राखी, लौट आओ राखी, उठो राखी, मौत की नींद से जागो, उठो राखी, मौत की नींद से जागो, उठो राखी, उठो राखी, लौट आओ राखी, उठो राखी, लौट आओ। नागेश, 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 क्या क्या कर रहे हो? हाँ, राखी कहाँ है? क्या किया उसकी लाश को तुमने? चलो इधर चलो, चलो जल्दी चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम यहाँ क्यों आए हो? चलिए हो इसे, तुम मेरे पास बताना। राखी, राखी अभी उठने वाली है। अरे बेवकूफ, ना कभी ऐसा हुआ है ना कभी होगा, कभी नहीं होगा ऐसे। अरे पागल, अगर ऐसा होता सब लोग अपनी लाशें लाके यहाँ ना दफना देते। नहीं, इस जमीन में ऐसी कुछ बात है कि लाशें फिर से जिंदा हो जाती। डॉक्टर, ये तू भी नहीं कहा था? अरे मैंने ऐसा नहीं कहा था कमबख्त, जो मर चुके हो जिंदा नहीं होते। राखी मर चुकी है, नागेश मर चुके हैं, निकलो यहाँ से। तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुमने शैतान को पुकारा है, ललकारा है, अब तुम्हें उससे लड़ना ही होगा, इससे तुम्हारा छुटकारा नहीं है। चलो चलो, मैं इस पर एक पत्थर रख देता हूँ, कहीं देर तो नहीं हो गई। जिंदा हो, नहीं, यही सच है, राखी नहीं है, यही सच है। तुम्हारा ये सब बाद में कर दूंगा, लाओ। मुझे बुलाया, देखो मैं आ गई। घाव ठीक हो गया, हाथ एकदम सुन हो गया है।
सुई आर पार हो गई, खून नहीं, दर्द नहीं। इंसान मर चुका होता है, इसका मतलब मेरा हाथ मर चुका है, यानी उस मिट्टी ने मेरे हाथ के घाव ठीक कर दिए, लेकिन हाथ को सुन कर दिया, मार दिया। मतलब वो मिट्टी इंसान को जान नहीं देती, सिर्फ जिंदा लाशें पैदा करती है। क्या आप ही डॉक्टर सत्यजीत हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। आपने मुझे फोन पे बताया था कि नागेश की वाइफ मर गई, लेकिन वो तो जिंदा है। हाँ जिंदा है, हम सब यहाँ अफसोस मनाने आए थे, घंटी बजाई तो क्या देखते हैं कि उन्हीं की वाइफ दरवाजा खोल रही है। क्या डॉक्टर साहब, कम से कम आपको तो ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैंने आप लोग साथ कोई मजाक नहीं किया, I'm sorry। मैं देखता हूँ, आप लोग जाइए। नागेश, नागेश, क्या तमाशा लगा रखा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? दरवाजा बंद कर गया था डॉक्टर, तुम्हारी बात सच निकली, राखी फिर से जिंदा हुई, उस जमीन में जा रहे हैं डॉक्टर। ये कैसे हो सकता है? इट इज पॉसिबल डॉक्टर, राखी वापस आ गई है। देखो, तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। राखी, पागल हो गया आदमी, मेरे को कॉल करना है डॉक्टर सत्य जी, मेरा फ्रेंड डॉक्टर साहब। राखी डॉक्टर कुछ भी नहीं है, हम लोग जब विदेश से वापस लौटते हैं तो जेट लैग से अजीब नहीं दिखते, और राखी फिर तो मौत के घर से लौटी है, नेचुरली थोड़ी अजीब तो दिखेगी। हाँ डॉक्टर, लेकिन इसकी एक बात बहुत बदल रही है बल्कि बेहतर हो गई है, राखी अब मेरी हर बात मानती है, जो कहता हूं वो करती है, सब बातें सुनती है। नागेश, नागेश, तभी तो कह रहा हूं ये राखी नहीं है, जिस राखी को मैं जानता था वो जिंदा दिल राखी थी, ये वो नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तुम्हें नहीं लगता? माइंड योर लैंग्वेज डॉक्टर, ये मेरी बीवी है। आई एम सॉरी। देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन क्या मैं इसका डॉक्टरी मुआयना कर सकता हूं? करो, शौक से करो। राखी, डॉक्टर तुम्हारे को टेस्ट करना चाहते हैं उनकी तसल्ली के लिए, बैठो राखी। दिल की धड़कन बंद है, ये जिंदा लाश है। She's a zombie. She's a zombie. Why don't you understand? अच्छा, नागेश, 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 ये वो राखी नहीं जिसे हम जानते थे, ये zombie है।
ये जिंदा लाश है, समय की कोशिश क्यों नहीं करता तुम? अपनी जान पर ही है तो चले जाओ यहाँ से। Get out and get lost from here. मुझे मेरी राखी वापस मिल गई। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। चलिए आपका अस्पताल ले चलता हूं। चलिए, आपकी हालत ठीक नहीं है, चलिए आइए मेरे साथ। चलिए इसका कोई फायदा नहीं, मैं अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर जाऊंगा। मुझे यही मरने दो। मैंने उस औरत को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी हालत बना दी। ये हालत बना डाली। मैं जानता हूं, कुछ मालूम नहीं है। वो औरत उसी आदमी के साथ है, उसी के घर में। उसी के घर में? ये तो बहुत बुरा हो रहा है, इसमें बहुत खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? मैंने तुम्हारे दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मेरी एक ना माना। आप मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं आप उसे? कहीं वही गलती ना कर बैठे जो संविधान ने की थी। गलती? कैसी गलती? जिंदा लाशों को जरा सा भी नमक नहीं देना चाहिए, इतना सा भी नहीं। क्या हो जाता उससे? उसी से तो सब कुछ होता है। अगर उसे जरा सा भी नमक दे दिया तो वही होगा जो जमींदार के साथ हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? तुम्हारी बीवी का यहाँ आना मना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अचानक कैसे? बस यूं ही खेत देखने चली आई। पर यहाँ आकर क्या देखती हूँ कि इन लोगों ने ना कुछ खाया है ना सोए हैं, तो सोचा चलो इन्हें मैं। क्या क्या किया तुमने मजदूरों को? चिल्लाओ मत, मैंने कुछ नहीं किया, बस इन लोगों को खाना खिलाया है। खाना खिलाया? उसमें कोई नमक तो नहीं था? लो, बिना नमक के भी कहीं खाना बनता है। बेवकूफ औरत, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? मुझे इन्हें नमक देने के लिए मना किया गया था, अब क्या होगा? मैं आगे मत बढ़ो। नहीं, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। नहीं, आगे मत बढ़ो। मैं तुम्हें फिर से जमीन में गाड़ दूंगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। हमने नमक खा लिया, पापी हो। जमींदार को मार डाला? हाँ, मार डाला, क्योंकि जमींदार की बीवी ने उन्हें नमक खिलाने की गलती की थी। बाबा, इन लाशों को वश में कैसे लाया जा सकता है? बाबा देखिए, राखी में बहुत ताकत आ गई है, मैं उसे लाके यहाँ दफनाना चाहता हूँ। कोई तरीका तो होगा बाबा, बाबा कोई तरीका तो होगा, बताइए बाबा। हाँ, एक तरीका है, इन पत्थरों का हार बनाकर उनके गले में डाल दो, उससे ताकत कम हो जाएगी, फिर जबरदस्ती पकड़कर यहां लाकर दफना देना। पत्थरों का हार, मगर एक बात याद रखना, उन्हें नमक मत खिलाना, जरा सा भी नहीं। नमक नहीं, नमक नहीं,
पत्थर पत्थर बच्चों का हाल। लो मेरे हाथ से। ये क्या मेरे हाथ से भी नहीं खाओगे? नहीं राखी तुम्हें खाना पड़ेगा। खोलो मुंह खोलो। लो खाओ खाओ राखी मुंह खोलो। नगेश रुक जाओ नगेश रुक जाओ। उसे नमक मत देना बिल्कुल नमक मत देना। नहीं नहीं नगेश इसे खाना मत देना बिल्कुल खाना मत देना। नमक मत देना जरा भी नमक मत देना इसे। हमारा दिमाग खराब हो गया डॉक्टर इसे खाना क्यों ना दूं? तुम पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं हो गया तुम समझ नहीं रहे हो। इसे खाना दे चुकी हूं। हाँ अनर्थ हो जाएगा बहुत बुरा होगा अनर्थ हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है तुमने मुझे फिर से जिंदा किया तुमने मुझे फिर से बुलाया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये तुम्हें क्या हो रहा है रखे रखे मैं तुम्हारे पति हूँ। जिसे तुमने दफनाया था वो तुम्हारी बीवी थी। जिसे तुम देख रहे हो वो तुम्हारी बीवी नहीं वो मैं हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं तुमसे बदला लूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने मुझे जगाया तुमसे पतला लूंगी। मैं तुम्हारे पति सिर्फ लिखे की तरीका है छोड़ूंगी नहीं। यार इसके गले में डालना होगा। हार डालने से उसकी ताकत कम हो जाएगी। हार डालने से डॉक्टर साहब मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वक्त जाया मत करो ले जाओ दफना दो इसे और पत्थर रखना मत भूलना पत्थर रख देना उसके ऊपर। गुड वेरी गुड। अच्छा वो सारे पत्थर भी हटा दिए वेरी गुड। सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने इतनी दूर यहाँ क्यों जमीन खरीदी। अरे बुद्धू अगर तुम्हारे पास अकल होती तो समझते। देखो देखो ये पहाड़ ये पेड़ पौधे और ये ताजी हवा इन सब के लिए शहर के लोग यहाँ दुगने तिगने दाम देकर आना चाहेंगे अपनी छुट्टियां मनाने और यहाँ आराम और शांति से रहने के लिए।
समझे? लेकिन सर लोग यहाँ आएंगे? लोग आएंगे, जरूर आएंगे। वो देखिए सर, देखा मैंने क्या कहा था कि लोग जरूर आएंगे। अनाउंसमेंट से पहले ही लोग बुकिंग कराने के लिए आने लगे। ऐसे और भी मजेदार